बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही वसहबिही अजमईन अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, बहनों, बच्चों, बच्चियों, अजीजों, जानने वाले ना जानने वाले, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुछ दिनों से मैं कुरान से अल्लाह की पसंदीदा हस्तियाँ कौन हैं कि अल्लाह किसको पसंद करता है, वली दोस्त को कहते हैं, अल्लाह का दोस्त कौन है। वो ये कोई वरासती चीज़ नहीं है कि एक बड़े औलिया अल्लाह थे तो अब उनका बेटा भी उन्हीं जैसा होगा। हमारे यहाँ वरासत चलती है कि बड़े बुज़ुर्ग का बेटा भी बुज़ुर्ग बन जाता है, चाहे वो क्लीन शेव हो, वो लोग उसके पाँव चूम रहे होते हैं, जहालत है। तो आज मैं थोड़ा सा सूरह बनी इसराइल है, उसमें भी सारे अखलाक बयान हुए। मेरे भाई बहनों, ईमान लाने के बाद इंसान इंसान बनता है और उसके बाद उसकी कीमत, उसका बड़ापन, उसकी वजाहत, उसकी शराफत, वो पैसों से नहीं होती। पैसों से इंसान मालदार तो हो जाता है, बड़ा नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। हमारा इल्म गलत हो गया, बड़ा बड़ा बंदा जे बोल दिया त्रै मिलान ये 200 मुरब्बिन ये नवाबा फलाना है, नवाबा फलाना है। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत इल्म है। बड़ा वो है जिसे अल्लाह पसंद करे, बड़ा वो है जो मेरे नबी की जिंदगी के पीछे चले, बड़ा वो है जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, बाकी सब छोटे छोटे हैं। यकीनन दोस्तों, जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते और तरीकों पर चलेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी से मोहब्बत करेगा। मौलाना तारिक जमील साहब के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप मौलाना साहब की इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपनी पसंद का इजहार जरूर करें। अगर आपको मौलाना तारिक जमील साहब के वीडियोज देखना पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मौलाना तारिक जमील साहब और दीगर उलमाए हक की वीडियोज रोजाना अपलोड की जाती है। और हो सके तो इस वीडियो को सदका जारिया और अजर सवाब की नीयत से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।